Audio Jungle. मेरा सबसे है गहना, अभी घर में ही रहना, कोई काम हो जरूरी तभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ ना मिलाना, मुंह पे मास्क लगाना, घर किसी के न जाना, अभी घर न बुलाना, सारे नियमों का रखना है ध्यान, अभी भी सावधान रहना है, ताकि जाए ना किसी की भी जान, अभी भी सावधान रहना है, सफल करें अभियान, अभी भी सावधान रहना है। जंदाहा से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। नवगठित जंदाहा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रवि शंकर प्रसाद के द्वारा लॉकडाउन एवं कोरोना काल को पालन करते हुए आज जंदाहा फल मंडी एवं सब्जी मंडी में मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया एवं सभी दुकानदार भाइयों को 6-6 मास्क और 1-1 सैनिटाइज दिया गया और सभी को लॉकडाउन का पालन करने का आदेश देते हुए सभी दुकानदार भाइयों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकान खोलने को कहा गया एवं कोरोना को मद्देनजर रखते हुए तीसरी लहर की पहले से ही तैयारी जोर शोर से करते हुए सभी को कोरोना काल का गाइडलाइन देने का काम किया। इस अवसर पर अरनिया पंचायत के मुखिया विकास कुमार कुशवाहा, समाज सेवी विजय राय, रवि कुमार, मोनू एवं अरविंद महतो एवं संजय कुमार, गोलू कुमार सभी लोग उपस्थित रहे। सब आदमी एक क्या चीज का वितरण हुआ जनदाहा? फिलहाल तो अभी अच्छे से मास्क का वितरण हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं जनदाहा और अरनिया वासियों को धन्यवाद देना, स्वागत करना चाहता हूँ इस नए नगर नवगठित नगर पंचायत में। एक बहुत ही अच्छी पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो सरकारी स्तर से मास्क का वितरण नगर पंचायत स्तर से किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य पहल है। वरीय पदाधिकारी के द्वारा कितना मास्क और सैनिटाइज वितरण किया गया होगा? अभी तक तो आज लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच मास्क वितरण हुआ है। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कोई पकड़ा भी गया है क्या? जी नहीं, सभी लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इसके तहत ही यहाँ पे मास्क वितरण किया गया और सब लोग सुसज्जित तरीके से सब अपना काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं ग्राम पंचायत अरनिया का मुखिया वर्तमान में हूँ। अभी तो नगर पंचायत फिर होगा, हो गया है तो हम लोग का कार्य समाप्त हो जाएगा। नवगठित नगर पंचायत बना हुआ है, इसमें 2 ग्राम पंचायत को मिला करके बनाया गया है। इसमें नगर विकास विभाग के द्वारा 6 मास्क प्रत्येक दुकानदार जो है, ठेला और दुकान, ये जितने भी ये सब्जी मार्केट, फल मार्केट वाले हैं, सब लोग को 6-6 मास्क देना है, जिसका वितरण हम लोग आज कर लिए हैं। और दूसरे चरण में यहाँ पर जितने भी ग्राम पंचायत, ये नगर पंचायत का एरिया है, सभी नगर पंचायत के एरिया में सैनिटाइजेशन का काम बहुत जल्द ही कल परसों में हम लोग प्रारंभ कर देंगे, ताकि ये कोविड का जो प्रकोप है इससे यहाँ के जनता को बचाया जाए। इसके साथ साथ ही हम लोग अपील कर रहे हैं यहाँ के जनता से कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का नियमित प्रयोग करें और घर अधिकतर समय घर में ही बिताएं, ज़रूरत से ज़्यादा रोड पर न निकलें,
ये सेकेंड वेव जो है कोविड का बहुत खतरनाक है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैला रहा है, इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर में ही बने रहें। आपका नाम क्या होगा सर? रविशंकर प्रसाद, वर्तमान में महुआ नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी हैं और यहाँ पर नगर विकास विभाग के द्वारा एडिशनल चार्ज के रूप में नगर पंचायत जनदाहा के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया।